हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कोरियन फैंटेसी मूवी जो एलियंस और टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और यहाँ एलियंस को इंसानों के माइंड में कैद कर लिया गया है, लेकिन जल्द ही उनके साथी उन्हें रिवाइव करने आ जाते हैं, जिन्हें रोकने की जिम्मेदारी एक एलियन रोबोट और एक इंसानी लड़की की है। तो चलिए देखते हैं इस माइंड ब्लोइंग मूवी को। तो एक आवाज हमें बताती है कि काफी टाइम से एलियन अर्थ को एक प्रिजन की तरह यूज कर रहे हैं, जहाँ वो अपने सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को रखते हैं। इन बैड एलियंस को इंसानों के माइंड में कैद किया जाता है, जहाँ से ये जब चाहे बाहर आ सकते हैं, लेकिन इंसानों को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे का सीन 13वीं सदी का है, जहाँ कुछ लोग ऐसे एक एलियन को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक सामने एक पोर्टल खुलने लगता है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, फ्यूचर से एक गाड़ी निकलकर उनके सामने आ जाती है। यहाँ हम एक गार्ड नाम के एलियन रोबोट को देखते हैं, जिस पर इन बैड एलियंस को कैद रखने की जिम्मेदारी है, और उसका साथी है थंडर नाम का एक मिनी बोट जो जब चाहे कोई भी रूप ले सकता है। ये दोनों इस एलियन को दोबारा कैद करने आए हैं, जो अपनी होस्ट बॉडी से बाहर आ गया है। एलियन उस शरीर में वापस आकर उन पर अटैक करने आता है, लेकिन गार्ड उसे ऐसा नहीं करने देता और अपनी एक्सट्रैक्शन पावर से उसे ट्रैप कर लेता है। मरते हुए वो लेडी उन्हें अपनी बेटी का ध्यान रखने को बोलती है, जो पास ही के एक शेड में है, और थंडर को लगता है कि उन्हें शायद इसे अपने साथ ले चलना चाहिए, लेकिन गार्ड इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो इंसानों के मैटर में नहीं पड़ना चाहता। यहीं गार्ड के पास हम एक डिवाइन नाइफ को देखते हैं, जिसमें इन एलियंस को कैद करने की पावर है, और वो उसे और थंडर को लेकर वापस फ्यूचर में चला जाता है। वहाँ वो सेलियन को अपनी कंटेनमेंट यूनिट में डालता है, और तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है, जिसे थंडर छुपाकर अपने साथ ले आया है। थंडर उसे समझाता है कि हम यहाँ इंसानों से छुप कर रहते हैं, और अगर ये बेबी हमारे साथ होगा तो कोई भी हम पर शक नहीं करेगा। गार्ड को लगता है कि ये सही कह रहा है, और वो उस बेबी को अपने साथ रख लेता है और कहता है कि आज से हम इसे याना कहकर बुलाएंगे। आगे का सीन वापस से 13वीं सदी का है, जहाँ हम मुरुक नाम के बाउंटी हंटर को देखते हैं, जो छोटे मोटे चोरों को पकड़कर अपना गुजारा चलाता है। एक दिन उसे उस डिवाइन नाइफ का पैम्पलेट मिलता है, जिसे ढूंढने वाले को बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। मुरुक इस बारे में अपने पुराने मास्टर गाई से पूछता है, जो बताता है कि काफी टाइम पहले ये नाइफ एक रिवर में पाया गया था, जिसमें कुछ अजीब सी शक्तियाँ थी, और इसीलिए गवर्नर ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। मुरुक गवर्नर से मिलने उसके पब में जाता है, ताकि उससे उस नाइफ का सौदा कर सके, लेकिन पता चलता है कि उससे पहले ही वहाँ एक और आदमी आ चुका है। वो आदमी उस नाइफ के लिए गवर्नर पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि नाइफ उसके हाथ लग पाए, मास्टर गाय नाइफ को लेकर वहाँ से भाग जाता है। मुरुक अपने मास्टर की मदद करने की सोचता है, लेकिन वो देखते हैं कि आदमी तो असल में एक मॉन्स्टर है। गाय मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है, और वो आदमी मुरुक की बहुत पिटाई करता है, और फिर उसे मरा हुआ समझकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम फिर से एक बार फ्यूचर में आते हैं, जहाँ गार्ड अपनी बेटी याना के स्कूल आया हुआ है। वहाँ टीचर उसे बताती है कि याना आपकी कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन गई थी कि आप इंसान के रूप में एक एलियन रोबोट हो, और ये सुनकर गार्ड सोच में पड़ जाता है। वो इस बारे में याना से कोई बात नहीं करता, लेकिन हम देखते हैं कि याना ने एक फोन ऑन करके उसी गाड़ी में छुपा दिया है, क्योंकि उसे शक है कि ये गाड़ी ही वो थंडर नाम की मिनी बोट है। इससे वो थंडर और गार्ड की सारी बातें सुन लेती है कि कैसे धरती पर कैदियों का एक नया बैच आने वाला है, और इससे उसका शक भी यकीन में बदल जाता है। रात को वो उस गाड़ी को चेक करने जाती है, और देखती है कि पिछली सीट के नीचे एक पोर्टल बना हुआ है। वो उस पोर्टल को छूने की सोचती है, लेकिन तभी वो मिनी बोट उसके सामने आ जाता है। वो उसे अपने और गार्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि कैसे वो लोग एक दूसरे प्लेनेट से आए हैं, और उनका काम पूरे एलियंस को कंट्रोल करने का है। याना को ये भी पता चल जाता है कि कल का बैच सिटी हॉस्पिटल में आने वाला है, और वो सुबह होते ही वहाँ के लिए निकल जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात मून नाम के एक पुलिस ऑफिसर से होती है, जो उसे रिकॉर्डिंग करते देख सवाल करने लगता है, लेकिन याना कहती है कि आप ये सब नहीं समझोगे। फिर हम एक स्पेसशिप को आते हुए देखते हैं, जो हॉस्पिटल में एक स्टोन को रिलीज करता है, और देखते ही देखते वो स्टोन चेंज होकर एक पॉड में बदल जाता है। आगे उस पॉड से कुछ एलियन टेंटिकल्स निकलती हैं, जो एक एक करके वहाँ आए लोगों से खुद को अटैच करने लगती है, जिनमें मून नाम का वो पुलिस ऑफिसर भी शामिल है। तभी गार्ड उस स्टोन को कलेक्ट करने आता है, जहाँ उसकी नजर याना पर पड़ती है, लेकिन वो उसे देखते ही वहाँ से भाग जाती है। बाकी लोग भी जल्दी ही नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कि उन्हें कुछ याद ही ना हो, और गार्ड मौका देखकर उस स्टोन को उठा लेता है, और सोचता है कि अब याना को सच बताने का टाइम आ गया है।
वो थंडर की मदद से उसे वापस घर ले आता है और फिर वो उसे सच बताते हैं कि कैसे हम बुरे एलियंस को इंसानों के माइंड में कैद करके रखते हैं और जैसे वो इंसान मारा जाता है ये बुरे एलियंस भी उनके साथ मर जाते हैं। कभी कभी ये अपने होश से बाहर भी आ जाते हैं लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में 5 मिनट से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते और जल्दी ही इन्हें कोई दूसरा होस्ट ढूंढना होता है। याना कहती है कि इस तरह तुम इंसानों की लाइफ से नहीं खेल सकते, लेकिन गार्ड ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि इंसानों के लिए हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इसी दौरान मुरुक पास में उस मॉन्स्टर के ठिकाने को ढूंढ लेता है जहाँ उसे पता चलता है कि उस नाइफ को पास ही में रहने वाले एक व्यापारी ने खरीद लिया है। यही हम मिलबोन नाम के एक टेम्पल को देखते हैं जिसका हेड प्रीस्ट भी इस नाइफ को पाना चाहता है और इसके लिए वो एक मॉन्क कपल को हायर करता है जिनके पास अपने कुछ मैजिकल स्पेल्स हैं। इधर मुरुक की मुलाकात उस आदमी से होती है जो उस व्यापारी की बेटी से शादी करने वाला है और वो जबरदस्ती उसका रूप लेकर वहाँ पहुँच जाता है। जल्दी ही उसकी शादी हो जाती है और हम देखते हैं कि उसकी ब्राइड के पास एक गन रखी हुई है जिसका मतलब वो भी यहाँ फ्यूचर से आई है। फिर वो लड़की मुरुक से एक ड्रिंक पीने को बोलती है जिसे पीते ही वो अपने होश खो बैठता है और पता चलता है कि ये लड़की भी यहाँ उस नाइफ को ही चुराने आई है। तभी हम उस मॉन्क कपल को आते हुए देखते हैं जो उस व्यापारी को वश में करके उससे नाइफ लाने को बोलते हैं। वो लड़की भी वहाँ अपनी गन लेकर आती है और उन मॉन्क्स को घायल करके नाइफ को हासिल कर लेती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि हेड प्रीस्ट भी यहाँ पहुँच चुका है और वो उसे नॉक आउट करके उस नाइफ को चुरा लेता है। यही फ्यूचर में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो तेजी से अर्थ की ओर आ रहा है और जल्दी ही उसके एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है। थंडर इस बात की वार्निंग गार्ड को भी देता है और बताता है कि ये शायद बुरे एलियंस का शिप है जो अर्थ पर अपने लीडर को आजाद कराने आया है। पता चलता है कि ये लीडर एक मून नाम के आदमी में कैद है जो वही पुलिस ऑफिसर है जिसे याना हॉस्पिटल में मिली थी। गार्ड उसे इंटरसेप्ट करने की सोचता है लेकिन देखता है कि याना भी उसके साथ आना चाहती है। वेस्ट करने के लिए उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता और वो गाड़ी को एक स्पेसशिप में बदलकर निकल पड़ता है और सीधा उस एलियन शिप के डायरेक्शन में जाता है। यही दूसरी तरफ हम मून को देखते हैं जिसे कोई आइडिया नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो एलियन शिप भी जल्दी ही उसकी बिल्डिंग तक पहुँच जाता है और मून देखता है कि एक रेड साइबोग उसी की ओर आ रहा है। मून वहाँ से भागने की सोचता है लेकिन साइबोग उसे ऐसा नहीं करने देता। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर हमारा लीडर कैद है और मैं यहाँ उसे आजाद कराने आया हूँ। गार्ड भी टाइम रहते वहाँ तक पहुँच जाता है और इससे पहले कि साइबोग मून को चोट पहुँचा पाए वो वहाँ आकर उसे लड़ने लगता है। उनकी लड़ाई से वहाँ बहुत तबाही होती है और इसी बीच मून मौका देकर वहाँ से भाग निकलता है। साइबोग भी जल्दी ही गार्ड को ट्रैप कर लेता है और उसका नाइफ लेकर मून को पकड़ने निकल जाता है। यहाँ हम उसकी और मून के बीच एक चेस सीन को देखते हैं जिसके विजुअल इफेक्ट्स बहुत ही शानदार हैं। लेकिन इससे पहले कि साइबोग मून तक पहुँच पाए गार्ड शिप लेकर उसे रोकने आ जाता है। उनके अटैक से एक बार तो एलियन शिप क्रैश हो जाता है लेकिन फिर जल्दी ही साइबोग उसे संभाल लेता है और गार्ड की शिप पर अपना लेजर अटैक करता है। गार्ड देखता है कि इस तरह तो पूरी सिटी तबाह हो जाएगी क्योंकि साइबोग की लेजर्स बहुत पावरफुल हैं और वो उसे पीछे लगाकर वहाँ से दूर ले जाता है। वहाँ वो एलियन शिप के वीक पॉइंट्स पर अटैक करने की सोचते हैं, लेकिन साइबोग इसके लिए पहले से ही तैयार था और बड़ी चालाकी से गार्ड की शिप को क्रैश करा देता है। फिर वो मून को पकड़ने वापस आता है और उसके एक लेजर ब्लास्ट से मून क्रैश होकर एक बस में जा गिरता है। साइबोग भी शिप से बाहर आ जाता है ताकि उस नाइफ की मदद से लीडर को आजाद कर सके, लेकिन वो एक बार फिर गार्ड को आते हुए देखता है। गार्ड उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन साइबोग मून को स्टैप करने में कामयाब हो जाता है। गार्ड उस नाइफ को बाहर निकालने की सोचता है लेकिन साइबोग उसे पकड़कर एक बिल्डिंग में ले जाता है और वहाँ खुद को ब्लास्ट कर देता है। थंडर उसे चेक करने आता है और देखता है कि उसकी हालत बहुत खराब है और वो उसमें अपनी कुछ रिजर्व पावर ट्रांसफर करता है। यहीं बाहर हम मून को देखते हैं जिसमें से वो एलियन लीडर बाहर निकल आया है और नाइफ लेकर अपने स्पेसशिप में चला जाता है। थंडर भी उसे फॉलो करता है और देखता है कि वो एलियन अपने प्लेनेट से कुछ गैस बैलून लेकर आया है ताकि अर्थ के एटमॉस्फेयर को चेंज कर सके और इससे उन्हें इंसानों की बॉडी में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन थंडर जानता है कि ये गैस बहुत ही जहरीली है और इंसान इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो तुरंत ये बात गार्ड को बताता है और हम देखते हैं कि वो वहाँ उस एलियन लीडर को रोकने आ गया है। वो दोनों एक बार फिर लड़ने लगते हैं और गार्ड उसे उठाकर शिप से बाहर फेंक देता है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि दो गैस बैलून भी उस गैप से बाहर निकल गए हैं।
वो नाइफ लेकर उन बाकी बैलून्स को ट्रैप करने लगता है और उधर उस एलियन को हम मून की बॉडी में आते हुए देखते हैं जो हवा में उड़ते एक बैलून को पंक्चर कर देता है। इससे वहाँ ऑरेंज कलर की वो जहरीली गैस फैलने लगती है जिसके कांटेक्ट में आते ही इंसान मरने लगते हैं और वहाँ हर तरफ भगदड़ मच जाती है। थंडर भागने में लोगों की मदद करता है और याना को अपनी कार में बिठाकर वहाँ से दूर भेज देता है। कार ने भी फाइनली उन सभी बैलून्स को लॉक कर दिया है और उस एलियन शिप को उड़ाकर वहाँ से दूर ले जाता है। ये भयानक घटना याना के माइंड में हमेशा के लिए छप जाती है और यहाँ पता चलता है कि 13वीं सदी की वो लड़की असल में याना ही है जो फ्यूचर से यहाँ उस नाइफ को ढूंढने आई है। वहाँ वो खुद को उस प्रीस्ट की कैद में पाती है जो बताता है कि वो भी फ्यूचर से आया एक एलियन ही है और याना की ही तरह उस नाइफ को ढूंढ रहा है। वो याना से उस स्पेसशिप की लोकेशन पूछता है ताकि यहाँ से वापस फ्यूचर में जा सके, लेकिन याना उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। आगे पता चलता है कि ये मॉन्क उस मॉन्स्टर आदमी से मिला हुआ है और ये लोग फिलहाल अपने लीडर को ढूंढ रहे हैं ताकि उसे और नाइफ को लेकर वापस फ्यूचर में जा सके। यही दूसरी तरफ हम मूर्ख को देखते हैं जो मॉन्क का भेस बनाकर टेंपल में घुस आया है और जल्दी उसे नाइफ की लोकेशन का पता चल जाता है। यही उसकी मुलाकात याना से होती है और वो उसे प्रॉमिस करता है कि जल्दी ही मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। फिर रात को वो उस नाइफ को चुराने जाता है और देखता है कि वहाँ वो मॉन्क कपल पैरालाइज पड़े हुए हैं। वो बताते हैं कि प्रीस्ट ने उन सभी को जहर दिया है जिसमें वो लड़की याना भी शामिल है, लेकिन उनके पास इस पॉइजन का एंटीडोट है जिसे वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुरुक तुरंत उन पिल्स को उठा लेता है और एक उन दोनों के लिए छोड़कर दूसरी को अपने साथ ले जाता है। वो कपल किसी तरह खुद को ठीक कर लेते हैं और उधर मुरुक भी बचता हुआ याना तक पहुँच जाता है। वहाँ वो उसे वो पिल खिलाता है ताकि पॉइजन के असर को दूर कर सके, लेकिन देखता है कि प्रीस्ट और दूसरे एलियन ने उसे घेर लिया है। मुरुक उनका मुकाबला करने की सोचता है लेकिन प्रीस्ट पीछे से आकर उसे घायल कर देता है और इससे वो डिवाइन नाइफ भी उसके हाथ लग जाता है। फिर वो उन दोनों को एक एक कॉफिन में डालते हैं जहाँ याना को दफनाया जाएगा और मुरुक को एक नदी में फेंक दिया जाता है। आगे का सीन फ्यूचर का है जहाँ दो एलियंस और बाहर आ गए हैं और लीडर के साथ अपने शिप को वापस पाने का प्लान करते हैं। गार्ड भी जानता है कि वो लोग यहाँ आने ही वाले होंगे, इसीलिए वो थंडर से याना को किसी सेफ जगह ले जाने को बोलता है और खुद वहाँ बैठकर एलियंस का वेट करने लगता है। थंडर याना को बताता है कि गार्ड की रिजर्व पावर बहुत कम है और इससे वो उन एलियंस का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तब याना थंडर से वापस चलने को बोलती है क्योंकि गार्ड चाहे एक एलियन ही क्यों ना हो, लेकिन अब वो उसकी फैमिली बन चुका था और थंडर भी ये सुनकर गाड़ी को वापस घुमा लेता है। उधर वो एलियंस भी उनके ठिकाने तक पहुंच जाते हैं और गार्ड खुद को लड़ने के लिए तैयार कर लेता है। वहाँ शिप में उसकी और लीडर की लड़ाई होने लगती है, लेकिन वो तीन एलियंस का मुकाबला एक साथ नहीं कर पाता और जल्दी ही वो उसे ओवरपावर कर लेते हैं। फिर लीडर उन गैस बैलून को दोबारा एक्टिवेट करने लगता है और तभी गार्ड को थंडर की आवाज़ आती है जो उसे बचाने वापस आ गए हैं। वो तुरंत उस डिवाइन नाइफ को थंडर की ओर फेंकता है ताकि वो इसकी मदद से एलियन शिप को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन दूसरे एलियन उसे ऐसा नहीं करने देते। उनसे बचने के चक्कर में वो नाइफ भी उसके हाथ से छूट जाता है और याना भागकर उसे रिकवर करने जाती है। लीडर और उसके साथ ये देखकर उसे पकड़ने आते हैं, लेकिन थंडर बीच में आकर उन्हें रोक लेता है और वो सब अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से दूर जाने लगते हैं। वो देखते हैं कि लीडर और उसके एलियंस भी उनके साथ आ गए हैं और गार्ड अपनी गाड़ी को टाइम पोर्टल से पास में ले जाता है। तो इससे पता चलता है कि ये एलियंस और याना पास में कैसे पहुँचे थे और यहाँ उस डिवाइन नाइफ और उस स्पेसशिप को ढूंढ रहे हैं। आगे हम फिर से वापस 13वीं सदी को देखते हैं जहाँ उन मॉन्क्स को पता चलता है कि प्रीस्ट और ये बाकी मॉन्स्टर फ्यूचर से आए हैं और ये सब उन्होंने अपनी आंखों से होते हुए देखा था। 10 साल पहले जब वो गाड़ी पोर्टल से आई थी तब मॉन्क गवर्नर और एक छोटा बच्चा वहीं मौजूद थे और वो इस अजीब सी घटना की तहकीकात करने जाते हैं। वहीं वो गाड़ी एक नदी के पास क्रैश हो जाती है जहाँ हम गार्ड और लीडर को फिर से लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन पावर कम होने की वजह से जल्द ही गार्ड मारा जाता है और थंडर भी खुद को डीएक्टिवेट होने से नहीं बचा पाता। तब याना गाड़ी में पड़ी एक गन से लीडर को शूट कर देती है और खुद गाड़ी के साथ नदी में जा गिरती है जहाँ वो नाइफ उसके हाथ से छूट जाता है। फिर हम उस छोटे बच्चे को देखते हैं जिसने याना को नदी से बाहर निकाल लिया है और याना उसे नदी में जाकर उस नाइफ को ढूंढने को कहती है।
यही हम पास्ट और प्रेजेंट के सीन को मर्ज होते हुए देखते हैं, जहां मुरु कॉफिन से बाहर आ गया है और सामने उस छोटे बच्चे यानी खुद के बचपन के रूप को देखता है और समझ जाता है कि यान असल में वही छोटी बच्ची है जिसकी बचपन में उसने मदद की थी। उधर पिल के असर के कारण जल्दी ही याना को होश आ जाता है और वो गन की मदद से खुद को छुड़ा लेती है। फिर वो प्रीस्ट और उसके साथियों से नाइफ छीनने की कोशिश करती है, जिसमें वो मॉन्क कपल भी उसकी मदद करने आते हैं और प्रीस्ट को एक बड़े से ड्रम में कैद कर लेते हैं। आगे पता चलता है कि एलियन ने नाइफ को अपने होस्ट की बॉडी में ट्रैप कर दिया है और खुद बाहर आकर याना पर अटैक करने लगता है। याना उसके सामने कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन तभी उसकी मदद करने मुरुक वहां आ जाता है और अपनी पावर से एलियन को दूर फेंक देता है। आगे हम उसे और एलियन को लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन वो उसकी लेजर्स का मुकाबला नहीं कर पाता और एलियन उसे मरा हुआ समझकर आगे बढ़ जाता है। उधर याना होस्ट बॉडी से उस नाइफ को लेने जाती है, लेकिन देखती है कि गन का उसकी शील्ड पर कोई असर नहीं होता। तभी वो एलियन आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उन मॉन्क्स के पास एक ऐसा मिरर था जिसे किसी भी चीज के साइज को बड़ा कर सकते हैं और वो उसकी मदद से उस एलियन को रोकने में लग जाती है। एलियन एक बार फिर अपनी लेजर्स का यूज करता है, लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्क को मार पाए, मुरुक वहां आकर उसका हाथ काट डालता है। वो लेडी मॉन्क याना को अपना मिरर यूज करने को बोलती है और हम देखते हैं कि उसने बुलेट के साइज को बड़ा बना दिया है, जिससे होस्ट की शील्ड टूट जाती है और नाइफ याना के हाथ लग जाता है। वो उस नाइफ को लेकर दूर जाने लगती है, लेकिन देखती है कि प्रीस्ट ने खुद को आजाद कर लिया है और उसकी बॉडी से निकला एलियन उसका पीछा करने लगता है। वो एक बोट लेकर नदी के रास्ते जाने की सोचती है, लेकिन एलियन उसका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ता और ये देखकर याना पानी के अंदर चली जाती है, जहाँ वो एलियन उसे नहीं देख पाता। उधर मुरुक का एलियन डिसअपीयर होने लगता है, क्योंकि वो ज्यादा देर होस्ट के बाहर नहीं रह सकता था और उसका खून लगने से उसकी तलवार भी नष्ट हो जाती है। ये देखकर उसे बहुत हैरानी होती है और तब वो होस्ट आदमी उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर भी मैं एक एलियन को फील कर रहा हूँ। मुरुक को एक बार फिर अपने बचपन की फ्लैशबैक आती है, जहाँ याना की मदद करने के बाद वो दोनों जंगल में अकेले बैठे हुए थे। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है और बेबी मुरुक उसे चेक करने जाता है। वहाँ उसका सामना मून से होता है, जिसकी बॉडी मरने वाली है और एलियन लीडर उसमें से निकलकर मुरुक में चला जाता है। तो यहाँ पता चलता है कि जिस लीडर को ये एलियन इतने टाइम से ढूंढ रहे थे, वो असल में मुरुक की बॉडी में है, लेकिन वो खुद इस बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है और वो मॉन्क कपल जिन्होंने सब सुन लिया था, सोचते हैं कि शायद हमें इसे मार डालना चाहिए। एंड सीन वापस से फ्यूचर का है, जहां हम याना की फ्रेंड की मॉम को देखते हैं और उसने उस गाड़ी को पोर्टल से जाते हुए देख लिया है। तभी उसकी नजर उस स्पेसशिप पर पड़ती है और पता चलता है कि उन गैस बलून्स के फटने में बस 48 घंटे का टाइम है और इसी के साथ मूवी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।